तो आप आईटी छोड़कर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं हाँ। और जहां ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से कहीं छूट रहा है और आजकल की जो पीढ़ी है वो हाँ। खेती बाड़ी को छोड़कर आईटी की तरफ जा रही है, लेकिन आप जो है आईटी को छोड़कर खेती बाड़ी की तरफ आए हैं, तो कैसा बोर्ड वाले वो लोग, तो मेरे को रिश्वत नहीं देना था। अच्छा, तो उसके लिए मैंने बोला जो पैसा मैं रिश्वत में दूंगा मैं वही पैसा मैं सोलर पे लगाऊंगा और सेल्फ सस्टेनिंग मोड में जाऊंगा। जितना भी इरिगेशन हो रहा है वो सोलर की मदद से पूरा, जो भी इरिगेशन हो रहा है, जो भी करंट का सप्लाई हो रहा है, जो भी मोटर है, लैपटॉप है, जो भी चलता है पूरा सोलर से चलता है। देयर आर सब्सिडीज अवेलेबल, ओके, अपने स्टेट तेलंगाना स्टेट में नहीं है, ठीक है। वो पीएम कुसुम करके एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ आपको 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगा, यू हैव टू पे ओनली 30%। ये यहाँ एक एग्रीकल्चर है, चारों तरफ मिट्टी है, धूल हवा बहुत उड़ती है उसमें जाएगी, तो अगर उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर लग जाए सोलर पैनल के ऊपर, तो क्या उससे सनलाइट में कुछ फर्क पड़ता है, एफिशिएंसी में कुछ फर्क? इसमें जैसे मान लीजिए ओले पड़े, बारिश आई, कुछ पैनल टूट गया, कुछ हो गया, तो वो क्या आप कवर करेंगे गारंटी वारंटी में, या वो नेचुरल कैलेमिटीज में करके आप? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां 60% आबादी खेती से सीधे तौर पर जुड़ी है, वो देश जहां की जीडीपी का 18% हिस्सा आपको इस खेती बाड़ी से मिलता है, और वो देश जहां की रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूं किसी व्यवसाय को तो वो एक खेती बाड़ी ही होगी। और ऐसे में जब इन किसानों को बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है, उनमें से एक समस्या है पावर कट। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले समय कोल क्राइसिस की वजह से पावर कट और भी अधिक बढ़ गए और भी अधिक इन किसानों को समस्या हुई इनके कामकाज में। ऐसे में आज मैं आया हूं हैदराबाद के शादनगर में, जहां एक किसान अपने खेत में सिर्फ फसल ही नहीं उगाते, वो फसल के साथ उगाते हैं बिजली भी। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कुछ बातें। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस फार्म के मालिक वासु जी। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैं चाहूंगा वासु जी कि आप अपने बारे में और अपने इस खेती बाड़ी के बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले कुछ बताएं। श्योर। मैं 25 साल आईटी इंडस्ट्री में था, वहाँ बोर होकर ये 2 एकड़ जमीन ली है मैंने हैदराबाद से 80 किलोमीटर के दूर में, और पूरा खेती करने का आइडिया है। काम आईटी में थोड़ा छोटा कंसल्टिंग काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरा मेरा 90% काम अभी खेती में ही है। तो आप पहले से आपका जो परिवार है वो खेती बाड़ी से जुड़ा था, या आपने बाद में खुद से जमीन ली? नहीं, मेरा परिवार में दूर दूर तक कोई खेती बाड़ी में नहीं था जी, तो ये मेरा इंटरेस्ट है। तो आप आईटी छोड़कर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं हाँ। और जहां ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से कहीं छूट रहा है और आजकल की जो पीढ़ी है वो हाँ। खेती बाड़ी को छोड़कर आईटी की तरफ जा रही है, लेकिन आप जो है आईटी को छोड़कर खेती बाड़ी की तरफ आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ ऐसा जो खेती में आया हूँ, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो आईटी छोड़कर खेती बाड़ी में आ रहे हैं। जो बात आपने बोला है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी एक पहलू है, गवर्नमेंट तो कुछ करना चाहिए उसके लिए। बट अभी क्या बोला, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है, सिटी में से लोग गांव में आना चाहते हैं, गांव के लोग सिटी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो हमारा रिवर्स हो रहा है इधर, सो हम सिटी लाइफ छोड़ के यहाँ आके, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर आना, मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ, सो वी लाइक, हमको इधर स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसानों से बात करना अच्छा लगता है, काम वालों से बात करना अच्छा लगता है। वो लाइफ जो है ना, वो भागदौड़ वाला लाइफ अच्छा नहीं लगा, 25 साल किया हम लोगों ने, अभी अच्छा नहीं है, सो वी तो आप जिंदगी में ठहराव के लिए यहां पे आ गए। अच्छा, तो आप इस 2 एकड़ की जगह में क्या क्या उगाते हैं? अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग ब्रिंजॉल डाला है,
ब्रिंजल बैंगन डाला है, टमाटर है, मिर्ची है, पालक है, और अभी जब रेन स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग पैडी भी डालने का है जी। तो बासमती या सोना मसूरी राइस डालने का प्लान है जी। तो ये आपका आईटी से होने का ही बैकग्राउंड था कि जो आप यहाँ पर सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, इसमें मैं सोलर जाने के लिए मेन रीज़न ये था कि मेरे पास यहाँ पावर का सप्लाई नहीं है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बहुत दूर है एंड बहुत लोग पैसे मांग रहे थे कि कनेक्शन देने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले वो लोग, तो मेरे को रिश्वत नहीं देना था। अच्छा, तो उसके लिए मैंने बोला जो पैसा मैं रिश्वत में दूंगा मैं वही पैसा मैं सोलर पे लगाऊंगा और सेल्फ सस्टेनिंग मोड में जाऊंगा जी। तो मेरा जो फार्म है कम्प्लीटली सोलार पे डिपेंडेंट है। पूरा 2 एकड़ का फार्म? पूरा 2 एकड़ का फार्म पूरा कम्प्लीटली सोलार पे डिपेंडेंट है। आपने कितनी लागत से उस सोलार पैनल को लगाया है और क्या क्या उससे आपको मदद मिल रही है? तो मेरा जो मोटर है वो 5 HP का मोटर है और उसमें जो है मेरा 20 फीट के अंदर पानी है, बोरवेल, ठीक है, बोरवेल है, और मेरा डीप जो है वो तकरीबन 300 फीट का बोर डाला है मैंने, लेकिन 10 फीट से पानी है तो पानी तो बहुत है इधर। ओके, एंड मैं गांव वाले से ये भी काम भी कर रहे हैं हम लोग कि ये जो तालाब होता है ना, तो वी ट्राइंग टू रिजुवेनेट द तालाब, वो सब भी काम कर रहे हैं हम लोग। गाँव के लोगों को भी रोजगार दिया है। मैं मेरे पास जो भी काम करते हैं वो लोकल लोग ही हैं, वो बाहर से किसी को लेके नहीं आया, मैं पूरे लोकल वाले हैं। तो सोलार का जो है आई थिंक 14 पैनल ऐसे कुछ लगे हैं। ओके, एंड वो सिर्फ मोटर के लिए है, सिर्फ मोटर चलाते हैं सोलर चलाते और कोई जो आपका रूम है यहाँ पर उसके लिए अलग है? उससे मेरा छोटा, जैसे मैंने पहले बोला था, मेरा छोटा कंसल्टिंग का कंपनी भी है, मैं ऑफिस का काम भी इधर करता हूँ, तो उसके लिए मैंने अलग से एक इन्वर्टर और 3 पैनल लगाए हैं। तो जितना भी इरीगेशन हो रहा है वो सोलार की मदद से, पूरा जो भी इरीगेशन हो रहा है, जो भी करंट का सप्लाई हो रहा है, जो भी मोटर है, लैपटॉप है, जो भी चलता है पूरा सोलार से चलता है। कितने किलोवाट का है आपको उसके बारे में? मेरा अभी देखिए 5 HP का मोटर है, आई थिंक वो 5 किलोवाट का मोटर होगा, 5 किलोवाट का होगा जितना तक मेरा याद है। 1 साल हो गया लगा के, 6-7 महीने हो गए मेरे को, उतना टेक्निकल अभी याद नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना 14 पैनल्स है ऊपर, 14 पैनल्स है, उसमें से 12 पैनल्स जो है इसको जाते हैं, मोटर को जाते हैं, और 15 पैनल है पूरे, 3 पैनल जो है मेरा घर का इस्तेमाल के लिए होता है। अभी जो मेरा इलेक्ट्रिक कुकर हो या म्यूजिक सिस्टम चलाना हो या टीवी चलाना हो या मेरा लैपटॉप चलाना हो। कितने का आपको उस वक्त खर्च आया था जब आपने? मेरे को पूरा मिला के मेरा खर्चा मोटर और इसका 3.5 लाख तक पड़ा। तो आपका 3.5 लाख में पूरा 2 एकड़ का फार्म जो है अब चल रहा है, पूरा पूरा हो गया, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। कितने साल पहले आपने किया था? मैंने अभी देखिए अभी 6 महीना हो गया, बस 6 महीने हो गए। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि शुरुआत में डीलर आपको बहलाते हैं, फसलाते हैं कि सर आपका पैसा 10 साल में वापस आ जाएगा, 5 साल में वापस आ जाएगा, आप क्या क्या कहेंगे उन लोगों? नहीं, सी एक बात है, अभी जो है ना तेलंगाना में करंट फ्री है, ठीक है, एटलीस्ट फार्मिंग के लिए करंट फ्री है, 30 रुपये का कुछ गिरता है अगर लेते हो तो, अभी दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, ठीक है, देयर इज नो फ्री लंच, कोई फ्री कुछ कोई नहीं देता कुछ भी, राइट। तो अभी अपने पास अबंडेंट सनलाइट है, राइट, जितना अभी 365 डेज में आई थिंक 220 डेज तो अपने को डेफिनेटली फुल सन रहेगा जी, राइट, वो एक बात है। सेकंड बात है, अगर देखिए कल करंट का रेट बढ़ता है, ठीक है, आज गवर्नमेंट फ्री दे रहा है, 5 साल बाद अगर सस्ते नहीं है तो करंट का रेट बढ़ेगा, राइट, तो तब मैं किसी से डिपेंडेंट नहीं हूँ। ओके, अगर मेरा सन है तो मेरा खेती चलता है, ठीक है, एंड मैं वो भी जो भी सन पे डिपेंडेंट है वही खेती डालने के लिए प्लान कर रहा हूँ। और जो आपके अलावा यहाँ दूसरे जो किसान है, क्या उनको पावर कट की समस्या देखने को मिलती है? हाँ, आपको नहीं मिलती? नहीं नहीं, मेरे पास पावर कट की समस्या है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर है ही नहीं, गवर्नमेंट का पावर नहीं है। अभी देखिए बाजू में जो खेती है उसमें 6-7 घंटे का पावर कट होता है इधर। अच्छा, शाम में 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक पावर नहीं रहता जी, वो भी मोटर पंप वाले, नॉर्मल पावर रहता है लेकिन मोटर पंप वाले पावर नहीं रहते बिकॉज इट इज फ्री। अभी क्या करते हैं लोग, जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी यूज करते हैं। अच्छा, वो डाल के छोड़ देते हैं, मीटर तो नहीं है जी, डाल के छोड़ देते हैं, वो पूरा मेरे खेती में आके भर जाता है, तो हैड टू इंश्योर दैट द वाटर डजंट कम जी, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये लोग डीलर बहलाते हैं कि 10 साल में रिटर्न आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक बात है। पहला वाला ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, मतलब अभी दूसरे स्टेट में देखेंगे तो अपने को 30% 70% अपने को रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, तेलंगाना स्टेट में वो नहीं है, ठीक है,
6-7 साल पहले था, तो मेरा घर पे भी वो नेट मीटरिंग का ही है, मेरे घर पे भी सोलर पे ही चलता है पूरा, ठीक है। तो नेट मीटरिंग का ऑप्शन उधर है, घर पे है, लेकिन इधर नहीं है। ओके, तो जो भी एक्सेस मैं जनरेट करता हूँ, देयर इज नो वे आई कैन सेंड इट बैक टू द गवर्नमेंट, जी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड आप कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड चलता है। तो मैंने ये देख के नहीं देखा कि मेरा पैसा कब कितना वापस आएगा, मैंने ये देखा कि हाउ मच एम आई रिड्यूसिंग दी कार्बन फुटप्रिंट, पहली बात है, ठीक है। अभी मेरे पास अगर करंट भी आया तो आई विल गो बैक एंड यूज द सोलर फर्स्ट एंड देन गो इफ सोलर इज नॉट देयर। अगर देखिए रेनी सीजन है, पानी चाहिए, फिर भी क्लाउडी है, मेरा सोलर नहीं काम कर रहा, देन आई विल गो टू। जब आपने शुरुआत की इस सोलर से अपने पूरे फार्म को जो है लाइट पहुंचाने की, तो उस वक्त आपको नॉलेज कहाँ से मिली? क्योंकि किसान जो होते हैं उनको नॉलेज लेना बहुत मुश्किल होता है कि जब शुरुआत में उन्हें कुछ पता नहीं होता कहाँ जाए, किस तरफ से सोलर ढूंढे, किस तरह की बैटरी पर जाए, किस तरह ऑन ग्रिड जाए, ऑफ ग्रिड जाए, कैसे इस तरफ जाए। सो मेरा पहले से, मेरा 10 साल पहले मैंने घर पे मैंने सोलर लगाया, तो इट इज नॉट समथिंग दैट्स न्यू। आप पहले से जानते थे सोलर? मैं पहले से जानता था, एक बात है। सेकंड बात थी, मैंने मोटर का इतना 5 किलोवाट और नहीं तो 5 HP का मोटर के लिए मैंने डाला नहीं था, ठीक है। तो मैं रिसर्च किया इसके बारे में, देखा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, राइट। एंड अभी मैं पहली बात थी, मेरे को रिश्वत नहीं देना था किसी को, ठीक है। ये जो मैं 3.5 लाख लगाया उसमें अगर 1 लाख में किसी को दे देता मेरे को करंट इमीडिएटली आ जाता, लेकिन मेरे को रिश्वत नहीं देना था जी। दैट वाज द बेसिक रीजन व्हाई आई वेंट फॉर दिस। तो जो किसान अभी हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके पास भी अगर जमीन है, वो भी इस तरह सोलर पे जाना चाहते हैं, तो क्या उसके स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है कि वो आपकी तरह ऐसे पूरे अपने फार्म को जो है सोलर से चला सकते हैं? सी, अगर छोटा किसान है, लाइक स्मॉल किसान है, उनके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है जी, उन लोगों को देखना पड़ेगा कि वो लोग 3.5 लाख लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे जी, ठीक है। वो पहली बात है। अगर दूसरे स्टेट्स में जो है देयर आर सब्सिडीज अवेलेबल, ओके, अपने स्टेट तेलंगाना स्टेट में नहीं है, ठीक है। वो पीएम कुसुम करके एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ आपको 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगा, यू हैव टू पे ओनली 30%। तो 3.5 लाख अगर आप किसी दूसरे स्टेट में होते तो मेरे को 3% में देना पड़ता, बस 3% में मेरा काम हो जाता। एज एन एग्जांपल, अगर मेरे को 1 लाख का खर्चा है तो मैं 30,000 ही दूंगा, बाकी जो 70,000 है दैट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, तो उसके बाद जैसे एक आपने बताया कुसुम योजना के बारे में, और दूसरा स्टेप क्या है उसके बाद कि मोटर के लिए कैसे? अगर आप कुसुम योजना से जाते हो तो दे हैव एन एम्पैनल लिस्ट ऑफ वेंडर्स, ठीक है। अगर उन लोगों को अप्रोच करेंगे, दे कम एंड डू द एस्टिमेट, आपका मोटर का साइज कितना है, आपको कितना पानी चाहिए, आपका लेंथ कितना है, आपका एरिया कितना है, आउटपुट कितना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेट करके दे विल टेल यू व्हाट, कितना आपको, कितना एचपी का मोटर चाहिए, क्योंकि एचपी का मोटर तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, उनके तरफ से बताया जाएगा, क्योंकि आपने को उतना आइडिया नहीं रहेगा कि अपने को 5 HP का चाहिए या 10 HP का चाहिए या 11 HP का चाहिए। तो वो लोग आके असेसमेंट करेंगे कितना पानी है, डेप्थ में कितना है, देखिए अभी 500 फीट में है पानी, राइट। तो आपको 5 HP मोटर उसमें खींच पाएगा नहीं पाएगा हम लोग नहीं बोल सकते जी। टेक्निकल वाले जो आएंगे वो आके बोलेंगे कि कौन सा मोटर सजेस्ट करेंगे, कौन सा HP का सजेस्ट करेंगे, और वो लोग आके असेसमेंट भी करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन में आप पैनल लगाना चाहिए जी, राइट। सो एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा विद अ सर्टेन एंगल, ओके। वो हम लोग असेस नहीं कर पाएंगे, वही लोग। छोटे किसान बड़े किसान दोनों जा सकते हैं सोलर की तरफ? कोई ऐसा है कि अगर आपके पास छोटी सी जमीन है तो सोलर पे जाने की? ऐसा कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू हैव दैट सोलर थिंग। पीएम कुसुम अगर आपको स्कीम का करना है, अदर स्टेट्स में बोल रहा हूँ, यू कैन एनी 1 एकड़ से लेकर आप 50 एकड़, 60 एकड़ जो भी है, यू कैन गो फॉर सोलर। अच्छा, अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद, आईटी में जाने के बाद, आप इस एग्रीकल्चर फील्ड में आए, लेकिन जो आज का जो युवा है वो ये कहता है कि क्या रखा है खेतीबाड़ी में, हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, बाहर देश जाएंगे, यहाँ कुछ व्हाइट कलर जॉब करेंगे, खेतीबाड़ी में कुछ रखा नहीं है। तो उन युवाओं को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी करियर है? नहीं देखिए, अगर यही क्वेश्चन आप मेरे को 1 साल पहले पूछेंगे तो मैं भी वही बोलता होगा, नहीं मेरा अच्छा खासा नौकरी है, मैं आके खेतीबाड़ी में या धूप में क्यों घूमूं जी। तो हरे का होता है, एक चेंज होता है, चेंज होता है। एंड मैंने ऐसा बोला ना, वो साइकिल चेंज हो रहा है, अभी गांव वाले सिटी जा रहे हैं, सिटी वाले गांव आ रहे हैं, द लॉट ऑफ किड्स हु आर इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड डूइंग दिस स्टफ, राइट। एंड अभी विद सोलर एंड ऑल दिस स्टफ एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंड एंड द नॉलेज, अभी जो भी अभी ऑटोमेशन नहीं किया है, वी जस्ट डिड वॉट एवर, देर लॉट ऑफ ऑटोमेशन दैट कैन बी डन इवन इन एग्रीकल्चर। तो आई थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड इन कमिंग, सो इट्स नॉट लाइक, सी अभी यूथ, they want to see the life, they want to go and experience life, come back, let's say 35-40 years, so wo bhi aapko kehne ka matlab ye hai ki jab unko bhi zindagi mein thehrav chahiye hoga wo is taraf aa jayenge, wo log aayenge, wo that will happen, that is a cycle that will happen, okay। to dhanyawad vasu ji apne keemti samay dene ke liye, thank you। ab main sudarshan ko, ye the vasu ji, is farm ke malik। ab hum baat karenge
इस सोलर पैनल को इंस्टॉल करने वाले दिनकृति सोलर पावर सिस्टम के फाउंडर मिस्टर बद्रीनाथ जी से। सो दर्शकों, अब वासु जी से हमारी बात हुई, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बद्रीनाथ जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सो सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए कि कितने सालों से आप इस बिजनेस में हैं और कितने आपने सोलर प्लांट्स अभी तक लगा दिए। हमारा कंपनी का नाम है दिनकृत सोलर पावर सिस्टम्स और हम 2013 से ये मार्केट में हैं जी। अभी तक हमारे पास करीब 400 से 500 कस्टमर तो होंगे जी मार्केट में। तो आप करीब 9 साल से इस मार्केट में हैं। अच्छा, जो वासु जी का ये पूरा फार्म है उसमें आप ही ने इंस्टॉलेशन की है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए सोलर पैनल में कई टाइप्स होते हैं, मोनोक्रिस्टन, पॉलीक्रिस्टन, मोनोकॉप, तो इस तरह से आपने किस टाइप का यहाँ पर सोलर जो पैनल है वो लगाया है? यहाँ पे हम जो पैनल लगाए वो तो मोनोपर्क का पैनल है। मोनोपर्क का पैनल है जी। वो मोनोक्रिस्टलाइन से भी थोड़ा बहुत ज्यादा का है जी। क्या एफिशिएंसी रहती है सर उसकी? इसका 21-22% एफिशिएंसी रहेगा। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन उसकी क्या एफिशिएंसी रहती है? वो पॉलीक्रिस्टलाइन का रहेगा 16-17 और जो मोनो पैनल रहेगा उसका रहेगा 19 से जी। तो वासु जी ने बताया कि जो इस पूरे स्ट्रक्चर की इनको कॉस्ट आई वो करीब 3.5 लाख के आसपास आई। अगर वो पॉलीक्रिस्टल लगाते तो कितने की कॉस्ट आती? एक 20-30 हज़ार का फर्क रहेगा। 20-30 हज़ार का ही फर्क रहता है। और एफिशिएंसी में कितना फर्क आ जाता? एफिशिएंसी में 2-3% का फर्क रहेगा। 2-3% का फर्क रहता। तो इसी के साथ मैं पूछ जानना चाहूँगा कि मतलब कितने यूनिट्स का आपने इसमें सोलर जो है पैनल लगाए हैं और क्या उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली या कोई सहायता आपको मिली उसमें? यहाँ पे जो पूरा सेटअप लगाया है वो सेटअप आपके करीब करीब 7-7.5 किलोवाट तक है और उसमें 5.5 किलोवाट का तो 5 HP का मोटर पंप का ही है जी। तो 5 HP का तो पावर मोटर पंप ले लेती है सोलर पैनल का और बाकी का जो 2 किलोवाट है वो 2 किलोवाट ऑफलाइन का सिस्टम लगाया है बैटरी के साथ जी, जो कि शाम के टाइम में अपने जो भी जरूरत पड़ेगा करंट का वो स्टोर लेने के लिए। ठीक है, तो कितने पैनल्स लगे उनको पूरा इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए? यहाँ पे जो है पूरा 20 पैनल है, उसमें 16 पैनल जो है अपना वाटर पंप के लिए है और 4 पैनल जो है वो ऑफलाइन सिस्टम के लिए लगा। मैंने देखा कि उन्होंने जो सोलर पैनल्स है वो अपने ऑफिस के ऊपर लगाए जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है उसको साफ करना, मेंटेन करना। तो क्या मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है इसमें? मेंटेन करने के लिए तो उसमें कुछ रहता ही नहीं है, खाली एवरी 1-10 डेज के एक बार पैनल को साफ करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ एक एग्रीकल्चर है, चारों तरफ मिट्टी है, धूल हवा बहुत उड़ती है उसमें जाएगी, तो अगर उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर लग जाए सोलर पैनल के ऊपर तो क्या उससे सनलाइट में कुछ फर्क पड़ता है, एफिशिएंसी में कुछ फर्क आता है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर का लेयर जब मिट्टी से भर जाता है तो सोलर का रोशनी उसमें जो लगता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है जी। सो आउटपुट ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी कम हो जाता है और साफ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। मैंने सुना है कि अगर आपने 15 पैनल लगाए हैं जी, 15 में से अगर एक भी पैनल के ऊपर एक डस्ट आ जाती है या छांव आ जाती है, जितनी एफिशिएंसी उसकी रहेगी फिर बाकी भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो तो पक्का है। तो एक पैनल का जो एफिशिएंसी गिर जाएगा बाकी का पूरा पैनल का आउटपुट वही रेंज में, वही रेंज में जो है इसका आउटपुट रहता है। तो इस पर फिर उनको मेंटेनेंस पर कितना ध्यान देना चाहिए अगर कोई किसान अपना सोलर पैनल लगाने की सोच रहा है? मेंटेनेंस तो कुछ रहता ही नहीं है क्योंकि ये तो मेन रोड नहीं है, खाली खेती है इसमें, इधर तो लेकिन डस्ट बहुत रहती है, थोड़ा कम रहता है कम्पेयर टू सिटी क्लाइमेटिक कंडीशंस। जब व्हीकल्स बाहर ज्यादा घूमते रहते हैं उधर डस्ट का फॉर्मेट ज्यादा रहता है, ये खेती बारी में उतना डस्ट तो नहीं रहता है, फिर भी एक 1-10 डेज को एक बार पैनल साफ करना तो बहुत बढ़िया काम है जी। और इसी के साथ इसमें जैसे मान लीजिए ओले पड़े, बारिश आई, कुछ पैनल टूट गया, कुछ हो गया, तो वो क्या आप कवर करेंगे गारंटी वारंटी में या वो नेचुरल कैलेमिटीज में करके आप? पैनल का अगर डैमेज हो गया तो नेचुरल कैलेमिटी में रहेगा और इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो वारंटी में कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर रेन से भी कुछ कहीं शॉर्टेज हो जाती है, कुछ स्पार्क आता है तो नेचुरल कैलेमिटी में आता है, नेचुरल कैलेमिटी रहेगा वो, अगर हवा ज्यादा आके पैनल ऊपर से नीचे गिर के टूट जाएगा वो एक ही रीजन है, बाकी का छोड़ के उसमें तो कुछ नेचुरल कैलेमिटी तो कुछ नहीं आया, नहीं आता जी। तो बाकी अगर कोई और इशू होता है तो उसको आप वारंटी में कवर करते हैं? दूसरा कुछ और है तो हम वारंटी, कितने साल की वारंटी आप देते हैं? ये पैनल का तो लाइफ तो 25 इयर्स का है, वारंटी वाइज तो 5 साल का वारंटी दे सकते हैं। 5 साल वारंटी, उसके बाद जो है पे करना पड़ेगा? हाँ, पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ वासु जी, क्या इन सोलर पैनल्स में कोई फाइनेंस अवेलेबल रहता है? इधर तो फाइनेंस नहीं रहेगा लेकिन जरूरत पड़ा तो मिल जाएगा। मिल जाता है फाइनेंस इजीली सब स्टेट में या सिर्फ तेलंगाना में मिल जाएगा? नहीं, वो बैकएंड फॉर्मेलिटीज जो भी रहेगा बैकएंड फॉर्मेलिटीज में करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सोलर पैनल को लगाए हमें किसी अदर राज्य में हमें वहाँ हमें सब्सिडी भी मिल जाए और फाइनेंस भी मिल जाए? फाइनेंस मिलना तो वो प्राइवेट बैंकर्स के हाथ में ही है जो भी, मतलब है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम कुसुम स्कीम के थ्रू लगाते हैं जो आपने वासु जी ने बताई जी, तो उस स्कीम के थ्रू अगर हम लगाते हैं हमें सब्सिडी मिलेगी जी, सब्सिडी के बावजूद हम फाइनेंस क्लेम कर सकते हैं?
नहीं नहीं वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट से आ रहा है ना वो गवर्नमेंट पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही अपने को सब्सिडी देगा जी। तो यहाँ पर इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए जब अच्छी धूप है तब तो ये अच्छा खासा जो है आपको आउटपुट देगा, लेकिन रेन आती है, सर्दियाँ आती है, विंटर सीजन आता है, तो उस वक्त इसकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली ये आउट ऑफ 365 डेज में 330 दिन तो बराबर चलेगा, 99% उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं जी। और बाकी का जो एक महीना या 40 दिन जो भी रहेगा वो दिन में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वेरिएशंस रहेगा, लेकिन आउटपुट एफिशिएंसी तो ज़्यादा तक स्टेबल ही रहेगा, 50% एफिशिएंसी में तो काम तो करेगा ही। और कितने एकड़ की ज़मीन के लिए कितने किलोवाट का जो है पावर पैनल लगाना चाहिए किसान को? भाई साहब कुछ लिमिटेशन बोल के नहीं है, वो पानी के हिसाब से रहेगा, उसका खेती में क्या लगा रहा है उसके हिसाब से रहेगा। तो जैसे मान लीजिए जैसे इन्होंने जो वासु जी ने जो है 5 horsepower की जो है मोटर लगाई थी, तो हर एक हॉर्स पावर के लिए कितना, जैसे मान लीजिए अब मैं 5 horsepower से 6 horsepower पर जाता हूँ तो कितना, एक 15 panel उन्होंने लगाए 5 horsepower के लिए, 6 horsepower के लिए 15 panel में कितने और पैनल जोड़ने पड़ेंगे? वो एवरी 1 kilowatt के लिए 3 panel रहेगा, तो अपने को 5 HP का मोटर जो है वो 5 kilowatt पे चलेगा, और 5 HP के होने के बाद नेक्स्ट मोटर जो आएगा वो 7.5 HP की रहेगी जी, उसको लगाने के लिए वो कम से कम 21 to 24 panel लगाना पड़ेगा जी। और 1 kilowatt मैंने सुना है कि 1 kilowatt से जो है 1 kilowatt पैनल से ओवरऑल एक साल में जो है 4 units निकल कर आते, कैसे? एक साल में नहीं, एक दिन में 4 units एवरेज, एक दिन में एवरेज 4 to 5 units आएगा, एक महीने को आके 120 units से 150 units तक। और साल में कितना जनरेट कर देता है? साल में 1800 से 2000। और जैसे वासु जी ने अभी 3.5 lakh rupees इसमें लगाए हैं 15 panel के लिए जी, ये 3.5 lakh उन्हें कब तक ऐसा वापस हो जाएंगे? ये पे बैक पीरियड आके अपने को 4 to 5 साल में 100% जो भी पे बैक पीरियड है वो ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो है वो 25 साल का है। तो बाकी 4 to 5 साल के बाद वो एक तरह से इंटरेस्ट इसका लेंगे? इंटरेस्ट बोल के नहीं, अपन जॉब से कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, जो भी है उसका फल उठा रहे हैं जी, आज का इन्वेस्टमेंट के दिन। हाँ, उसके बाद 5 साल के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है वो अपने को फ्री है। तो आपसे और किसी किसान ने भी लगाया है वासु जी के अलावा ये सोलर पैनल? जी बहुत सारे लगाए हैं, तो किसान इस तरफ बहुत बढ़ रहे हैं जी। एक हाइब्रिड भी आता है क्या खेती बाड़ी के लिए, कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा, हाइब्रिड सही रहेगा, ऑन ग्रिड सही रहेगा, ऑफ ग्रिड सही रहेगा, और इनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। ये खेती बाड़ी के लिए जो है स्टैंड अलोन सिस्टम रहेगा, जो कि ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब धूप रहेगा जब ऑटोमेटिक पानी आ जाएंगे, जब पानी का ज़रूरत बंद ख़त्म हो जाएगा जब ऑटोमेटिक बंद कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन इसको ऑन करना ऑफ करने का ज़रूरत भी नहीं है, वो भी रिमोटली सिस्टम ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं जी। ये खेती बाड़ी के लिए तो ये ही काफ़ी है, और डोमेस्टिक जो अपना घर में लिए लगाना है जी, वो सिस्टम के लिए ऑन ग्रिड बोल के एक सिस्टम आएगा, वो लगाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एसी चला सकते हैं और जो बाकी का जो भी हैवी ड्यूटी अप्लायंसेस है जी वो पूरा उसमें चला सकते हैं जी। और जहाँ एरिया है जहाँ शाम के टाइम में अपने को रोशनी चाहिए और वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वो स्टाइल में ऑफलाइन का सिस्टम एक आएगा, उसमें बैटरी और इन्वर्टर का सेटअप रहेगा जैसे इधर लगाए, सेम सिस्टम आपको जब लेट आवर्स में काम में आएगा लाइट्स के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिल रही है? राइट नाउ तो सब्सिडी तो कुछ है ही नहीं, पहले थी या पहले थी ओनली पहले इट्स अ वेरी 5 to 6 years पहले तो ऑफ ग्रिड सिस्टम को रहता था, अभी 1-2 महीने पहले तक तो ऑन ग्रिड सिस्टम को भी है, फिर से एक बार चालू होने वाला है। तो सब्सिडी अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रही है? अभी तो राइट नाउ तो कुछ नहीं है, फिर 2-4 महीने में फिर एक बार सब्सिडी आने वाला है। जब सब्सिडी मिलती है तो उसमें सब्सिडी कस्टमर को क्लेम करनी होती है, डीलर क्लेम करके? डीलर क्लेम करना पड़ेगा, कस्टमर जो भी है वो सब्सिडी जाने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा ना वो अमाउंट पे करेगा, कस्टमर के बिहाफ ऑफ हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसका क्लेम डीलर को आएगा जी। और जो अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आपसे इस सोलर प्लांट को लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में रहेगा, आप वो देख के अपने को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। कोई साइट अगर आपकी या अपना कंपनी का नाम मार के आप गूगल में चेक करें तो बहुत सारे साइट्स मिलेंगे अपने खुद का जी, अब सब जानकारी उसमें मिल जाएगी जी। तो धन्यवाद बद्रीनाथ जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों ये थे बद्रीनाथ जी और हमने बात करी वासु जी से भी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ज़्यादा बात करते हैं इस चैनल पर, आज हम सोलर को लेकर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारा मेन मोटिव है गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक, हम गो इलेक्ट्रिक के साथ गो ग्रीन भी बात करते हैं, तो गो ग्रीन के लिए जीरो एमिशन बनने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी तरफ जाना होगा और सोलर प्लांट की तरफ भी जाना होगा। और इसी के साथ आपके क्या विचार थे इस पूरे ही फार्मिंग को लेकर सोलर से जुड़ी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।